हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर की न्यू अपडेट के साथ। तो गाइस, आप लोगों ने सुरभि एंड मोहक का मतलब कि सोहक के न्यू सॉन्ग का पोस्टर देख लिया होगा। एंड गाइस, लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ये पोस्टर देखकर। गाइस 4 महीनों बाद हमें जो खुशी मिली है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती मैं। एंड इतनी ज़्यादा खुश हूँ, आपको क्या बताऊँ। एंड मैंने आप लोगों के भी कमेंट देखे हैं गाइस, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मुझे पता चल रहा है। एंड गाइस, ये पोस्टर देखकर तो सोहक फैंस की आज ही दिवाली हो गई है। जी हाँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सभी इस पोस्टर को लेकर, इस गाने को लेकर। एंड 15 अक्टूबर को लेकर, जिस दिन की ये गाना रिलीज होने वाला है, देखिए मैं आपको कुछ सोहक फैंस पेजेस की स्टोरीज दिखाने वाली हूँ। सबसे पहली वाली स्टोरी ये है, आज मैं इतने दिनों बाद बहुत खुश हूँ, सुकून आ गया ये देखकर, आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल आपने सही कहा, आज का दिन इतना अच्छा, इतना प्यारा है कि इतनी प्यारा सरप्राइज हमें देखने को मिला है। गाइज, कहीं खुशी के मारे मैं पागल ना हो जाऊँ। गाइज, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने आगे लिखा है, आई कांट बिलीव यार, मुझे लगा नहीं था कि ये आएगा, इट्स अ सरप्राइज। बिल्कुल हमारे लिए ये एक सरप्राइज ही है। थैंक यू सो मच, लव्स माई एवरीथिंग, इसका ही बहुत वेट था, लव यू वेरी मच। एक दूसरे फैन पेज की स्टोरी देखिए, सो एक्साइटेड, कांट वेट, हम इसका ही इंतजार कर रहे थे इतने दिनों से, थैंक यू सो मच इतने प्यारे सरप्राइज के लिए। एंड इन्होंने यहाँ पर मोहक सुरभि के साथ साज भट्ट को भी, तो साज भट्ट ने जो कि इस गाने के सिंगर है, उन्होंने इनकी स्टोरी को रिपोस्ट भी किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। गाइज, अगले फैन पेज ने लिखा है, बिग सरप्राइज, कांट वेट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू सोहक। तो हम सभी काफी ज्यादा खुश है गाइज, यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा सपने जैसा लग रहा है। एंड इस सरप्राइज को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप लोग भी खुश होंगे गाइज। तो आप लोग जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग कितना एक्साइटेड है। एंड फिर इस वीडियो के बाद मैं जल्दी कमेंट वाली वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं। अगले फैन पेज ने लिखा है, न्यू सॉन्ग सोहक। एक और फैन पेज ने लिखा है, बिलीव नहीं हो रहा, बिल्कुल हमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा खुशी एक साथ मिल गई है। एक फैन पेज ने लिखा है, अरे कांट बिलीव। सोहक X7 ने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अनदर माइलस्टोन माई बेबी, दिस इज क्रेजी मैन, इतना काफी है मेरे लिए जीने के लिए। एंड यहाँ पर इन्होंने हार्ट वाले इमोजीज भी बनाए हैं। सोहक एडोरेबल ने लिखा है, अरे यार रोना आ गया कितने दिनों बाद, बिल्कुल मुझे भी ये पोस्टर देखकर आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू गाइस। एंड गाइस, अब देख लेते हैं कुछ कमेंट्स जो कि इन्हीं पोस्टर के नीचे के कमेंट है इंस्टाग्राम के, मोहक एंड सुरभि के दोनों के, जो इन्होंने अभी पोस्टर रिलीज किया है अपने अपने इंस्टाग्राम पर, उसके नीचे के ये कमेंट्स से थोड़े कमेंट्स देख लेते हैं। अवर सोहक इज बैक, बिल्कुल अवर सोहक इज बैक, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। तो हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इन सारे कमेंट्स को देखकर लग रहा है कि फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। सभी ने यही लिखा है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस सॉन्ग के लिए, 15 अक्टूबर के लिए। फाइनली सोहक, मेरे को पता था आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो आई होप एंड आई विश कि ऐसा ना हुआ हो। चेक, एक कमेंट आया है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब ये लोग सोहक सायु एक दूसरे साथ रहते हैं, अच्छे से वीडियो डालते हैं, अपने खुशी के पल हम सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो भी हम सब लोगों को बतानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मुस्कान ने कमेंट किया है, ये सोहक इज बैक, अब प्लीज मिल के रहना। बिल्कुल, अगर आप सोहक, तो हाँ गाइज, अब सोहक जब मिल ही गए हैं तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि फाइनली सोहक आर बैक। दीदी प्लीज मेक वीडियो विद मोहक नाउ प्लीज, बाय द वे लॉट्स ऑफ लव। तो ये सुरभि की पोस्ट के नीचे कमेंट किया है किसी ने कि अब आप मोहक के साथ वीडियो बनाइए। मीरा ने कमेंट किया है, हम वेट करते हैं, कुछ तो आंसर दो। सोहक X7 ने कमेंट किया है, दिस इज क्रेजी, ओ वाओ सोहक इज बैक, लव यू। मोनालिसा ने कमेंट किया है, प्लीज अब सब ठीक कर लो, वी वॉन्ट सोहक। तो हाँ गाइज, अगर थोड़ी सी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर इनके बीच में अभी भी है, तो गाइज मैं तो यही विश करूंगी कि वो भी दूर हो जाए और हमारा सोहक जल्दी से साथ में आ जाए। अंशु ने कमेंट किया, ये तुम लोग क्या ड्रामा लगा रखे हो, ब्रेकअप हो चुका है तो साथ में सॉन्ग कैसे बना ले रहे हो। तो गाइज, यहाँ पर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, वैसे तो काफी सारे लोगों को पता है कि सोहक के दोनों सॉन्ग की शूटिंग एक साथ ही हुई थी, एक सॉन्ग तो पहले आ गया था एंड ये सेकंड वाला सॉन्ग है जो कि अब रिलीज होने वाला है। वंशिका ने कमेंट किया है, प्लीज अब बार बार मिलते रहना। बिल्कुल। आयुष ने कमेंट किया है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दी। विष्णु ने कमेंट किया, यू आर बैक सोहक, आप दोनों साथ हो जाना इस गाने के साथ। तो गाइज, यहाँ पर सभी यही विश कर रहे हैं कि अब सोहक हमें साथ में देखने को मिलेगा, जब इनका गाना साथ में आ गया है तो सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि सोहक आएगा। एंड गाइज, मैं भी यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठी हूँ एंड प्रे कर रही हूँ कि हमारा सोहक जल्दी से वापस आ जाए।